तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन सिंह और वेलकम करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपने में सुमन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ में एक आंवले का पेड़ आपको दिख रहा होगा जिसकी है मैंने अभी जस्ट पूजा। तो वैसे ये पूजा मैं हर बार करती हूं, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो आप लोग से शेयर किया जाए, इसके बारे में बताया जाए। तो ऐसा है कि आंवला नवमी की कहानी है कि लक्ष्मी माँ जब धरती भ्रमण कर रही थी, जब वो धरती लोक में घूम रही थी, तो अचानक से उनको ऐसा ख्याल आया कि भाई अगर हमें विष्णु जी और शंकर जी को साथ में खुश करना हो तो क्या कोई ऐसा पूजा या कोई ऐसा विधान या कोई ऐसा व्रत है जो हम कर सकते हैं ताकि एक ही पूजा में दोनों खुश हो जाएं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि विष्णु जी को तुलसी पसंद है और शंकर जी को बेल पसंद है, और कहा जाता है दोस्तों कि जो आंवले का पेड़ होता है इसमें तुलसी और बेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब अगर आपने आंवले के पेड़ की पूजा कर ली तो आपने विष्णु जी को भी खुश कर लिया और शंकर जी को भी खुश कर लिया, तो है ना, कितना अच्छा तरीका। हाँ, तो दोस्तों फिर ऐसा हुआ कि जब से ही, और फिर उसी टाइम विष्णु भगवान ने उनको बताया होगा, तो माँ लक्ष्मी ने पूजा करी। और जिस दिन माँ लक्ष्मी ने पूजा करी थी उस दिन था नवमी का दिन, मतलब कार्तिक का नवमी का दिन। और दोस्तों ये भी बोला जाता है कि कार्तिक के नवमी मीन्स आज के दिन से लेकर पूर्णिमा के, कार्तिक की पूर्णिमा तक विष्णु भगवान, साक्षात विष्णु भगवान इस आंवले के पेड़ में रहते हैं, और इनका अभी बहुत अच्छा टाइम है उनसे आशीर्वाद लेने का। तो आप भी पूजा कर सकते हैं, और अभी पूर्णिमा भी आ रही, कार्तिक पूर्णिमा, जिसको बहुत उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो बस आज की कहानी यही है, छोटी सी कहानी थी आंवला नवमी के बारे में। और कहा जाता है दोस्तों कि आज के दिन किया गया पूजा दान और अच्छे काम जो है उसका कभी क्षय नहीं होता, अच्छा रहता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, आंवला नवमी भी और अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो कई लोग इसमें मंदिर भी जाते हैं और मंदिर जाके वहाँ करते, पर मेरे पास घर में ही मैंने लगा रखा आंवले का पेड़, तो मैंने घर पे ही कर लिया। तो आप मंदिर भी जा सकते हैं, वहाँ पे फेरे वेरे लगा सकते हैं। और आज के दिन दोस्तों कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाइए। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बचपन में मेरी दादी जो थी आंवले के पेड़ की पूजा करती थी, और मुझे याद है यार, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है। तो मैं, मतलब मेरी दादी और हम सारे फैमिली, मतलब मम्मी पापा बड़ी मम्मी, मतलब जितने मेरे फैमिली के लोग थे सारे के सारे लोग जाते थे घर में, पूरी सब्जी बन गया और हम आंवले के पेड़ के पास जाते थे, वहाँ पूजा वूजा होती, क्योंकि उस टाइम तो छोटे थे, उतनी तो पता नहीं होती, बस ये पता था मुझे कि हाँ ये पूजा हो रही है, इतना माइंड है। बट हम तो पूजा नहीं करते थे, मस्ती करते थे, बट हमारी दादी और मम्मी जो भी थी पूजा करती थी, उसके बाद हम लोग उसी पेड़ के नीचे खाते थे, सोचो। ठीक है दोस्तों, बस मैंने शेयर किया आपसे, जो मैंने पूजा किया मैंने बस आपसे जस्ट शेयर किया। आप भी करें विष्णु भगवान की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, और खुश रहे, हैप्पी रहे। और बस मन है, बस मन चंगा कठौती में गंगा वाली बात है, तो इंसान को खुश रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है, कर किसी का बुरा मत करो, बाकी सब ठीक है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सायोनारा, हैप्पी आंवला नवमी।